श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लड्डू प्रसादम में पशु की चर्बी के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की गई है। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले इसी मामले पर वकील सत्यम सिंह राजपूत ने एक पत्र याचिका भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से को प्रेषित किया था। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी यानी तेदेपा ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। यह पूरा विवाद 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू के आरोप और एक रिपोर्ट के खुलासे से शुरू हुआ। एन चंद्रबाबू नायडू ने रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि तिरुपति के प्रसाद में प्रयुक्त कथित देशी घी जानवरों की चर्बी वाला वसा से युक्त है। उसके इस दावे के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद पर उठा विवाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है। यह याचिका पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ने दायर की है। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ भी शिकायत है। जानकारी के अनुसार याचिका में आरोप लगाया गया है कि CM चंद्रबाबू नायडू गलत आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। वहीं तिरुपति लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मिलावट के आरोप के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी एवं अन्य के खिलाफ हैदराबाद में आस्था को ठेस और भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई गई है।